हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि आप अपना कोई भी गाना किसी भी चैनल से कैसे रिलीज करा सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, कितना पैसा लगता है और कैसे कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आप भी एक सिंगर हैं और आप अपना गाना किसी कंपनी से रिलीज कराना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में कुछ पॉइंट बताए जाएंगे जो कि आपको फॉलो करना है और वही पॉइंट फॉलो करके दोस्तों आप किसी भी कंपनी से अपना गाना रिलीज करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एक म्यूजिक फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनू, मैं ऐसे म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी लेके आता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और लाइक कर दिया वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं अपने मेन पॉइंट को। तो दोस्तों देखा यह जाता कि बहुत से लोग गाने को रिलीज कराना चाहते हैं लेकिन उनको एग्जैक्ट यही नहीं पता होता कि एक्चुअल में मुझे कंपनी से कॉन्टेक्ट कैसे करना है। उनको पता ही नहीं रहता कि कोई भी कंपनी से हम कॉन्टेक्ट कैसे करें, अपना गाना उनको कैसे दिखाएं, उनकी ऑफिस क्या है, कुछ नहीं पता रहता। वो बस थोड़ा सा कंफ्यूज होकर इधर उधर फिरते रहते हैं और दुनिया भर की बातें यहाँ वहाँ सुनते कि अरे वो कंपनी बहुत बड़ी है या फिर ये कंपनी बहुत छोटी, उनके मन में तरह तरह के डाउट रहते हैं। तो आज से डाउट आपका खत्म होने वाला है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको पहले अपने गाने को देखना है। हाँ, जो आप अपना ऑडियो वीडियो बनाया है रिलीज करने से पहले आपको अपना ऑडियो वीडियो बना लेना है, तभी ना आप अपना गाना रिलीज करेंगे। आप अपने ऑडियो वीडियो को बनाएं, अपने वीडियो को ध्यान से देखें, उसमें जो जो सीन पड़े हैं, जो जो चीज़ें पड़े हैं उसको ध्यान से देखें और समझें और YouTube पे जाएं। उसी तरह के कंटेंट, जिस तरह के आपके गाने उस तरह के सेम कंटेंट, मतलब उससे मिलता जुलता सेम कंटेंट आप YouTube पे खोजिए, उस तरह के वीडियो खोजिए। आपको YouTube पे कुछ गाने ऐसे मिल ही जाएंगे जो कि आपके गाने की तरह लगभग वैसे ही होगा। तो आप उस गाने के चैनल पे जाइए, आप उस चैनल पे जाइए, उस चैनल को देखिए, उस पे कौन कौन से गाने पड़े हैं और उस पे कितने व्यूज़ हैं। तो ऐसे कर करके आपको कम से कम 10 से 20 चैनल को सर्च करना है। ऐसे गाने सर्च कर करके आपको कम से कम 10 से 20 चैनल का नाम नोट कर लेना, अपने कॉपी में नोट करके किनारे रख लीजिए। और चैनल के नाम नोट करना, ऐसा भी नहीं कि गाने का नाम नोट कर लेना है, तो ऐसा कुछ नहीं। आप चैनल पे जाइए तो उस चैनल के नाम आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आप ये करिए कि जो उस पर वीडियोस पड़े हैं उस पर व्यूज़ कितने जाते हैं। ऐसा भी ना हो किसी पे 1000, 2000, 5000 व्यूज़ ही जा रहे हैं और आप सबके नाम लिख के पढ़े हैं और आपको उम्मीद कुछ ज़्यादा की है। तो आप ऐसे चैनल को और ऐसे वीडियो को सर्च करें जिस पे व्यूज़ अच्छा जाते हों और आपके ही गाने की तरह उस पे कंटेंट अपलोड होते हो। आपके तरह कंटेंट अपलोड होने का मतलब यह है कि जैसे कि मान लीजिए आप कोई भोजपुरी गाना बनाए जिसका बजट 15-20 हज़ार गया और आप उम्मीद ये लगा के बैठे हैं कि हम टी सीरीज के बड़े वाले चैनल से रिलीज कराएंगे, तो आप एक गलत सोच रहे हैं। आपका वो गाना रिलीज वहाँ से नहीं करेगा। अगर आपको गाना वहाँ से रिलीज करना तो उस लेवल का काम भी आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए जो आपका जिस बजट का है, जिस लेवल की क्वालिटी है, उसी क्वालिटी के चैनल को सर्च करिए। और वो दूसरी चीज़ इस पर देखिए, जो उस पर वीडियो पड़े चैनल पर लगभग सभी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ हैं कि नहीं हैं। अगर आप सभी वीडियो के व्यूज से सेटिस्फाइड हैं तो सबके चैनल का नाम एक कॉपी में लिखिए जैसा कि मैंने बताया। फिर उसी चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर उनका ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो अगला चीज़ आपको ये करना कि आप जितने भी नाम लिखे, चाहे एक लिखे हो, चाहे 10 लिखे हो, चाहे 20 लिखे हो, आप उन चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है। यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब पे उसके चैनल में जाएंगे, चैनल में अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पर उनको मेल आईडी या तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आपको उनको मेल करना है साफ साफ लिख के। अगर आपको हिंदी आता है तो हिंदी में लिख के करिए, इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में लिख के करिए। उनको मेल करिए कि आपका एक गाना है और आपका गाना आप उनके चैनल पर रिलीज कराना चाहते हैं। तो ऐसे करके आप किसी कंपनी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद से अगर उनका रिप्लाई आता है तो रिप्लाई में आपका वीडियो वो मांगेंगे पहले देखने के लिए कि आपकी क्वालिटी और आपके ऑडियो की क्वालिटी क्या है। तो आपको क्या करना कि आपको ओरिजिनल जो आपका गाना होता है वो नहीं उनको मेल करना है, आपको अपने गाने का एक छोटा सा पार्ट, 1 मिनट या 1.5 मिनट का पार्ट, उस पर डमी बीच में वीडियो में डमी लिख दीजिएगा। डमी लिखने के बाद आप उनको वो चीज़ उनको फॉरवर्ड करिएगा, वो देखने के बाद वो आपको अप्रूवल देंगे कि वो आपने चैनल पे आपका गाना रिलीज करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो बताएंगे कि ठीक है, आप अपना पूरा गाना, पूरा जो भी गाने का राइट आप हमको भेज दीजिए, हम अपलोड कर देंगे। अगर वो उनको नहीं अच्छा लगेगा तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। दोस्तों आप भी अपने गाने रिलीज करा सकते हैं लेकिन आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि आपका गाना किस लेवल का है।
आप सबसे पहले आपको कंपेयर कर लेना है अपने गाने को, अपने ऑडियो को, अपने वीडियो को, फिर उसी तरह के चैनल को सर्च करना है, फिर उनसे कॉन्टेक्ट करके अपने गाने आप रिलीज करा सकते हैं। और हाँ, एक चीज आपको ध्यान देना कि अगर आपसे रिलीजिंग का कोई पैसा मांग रहा है, अगर कोई कंपनी वाला आपसे पैसा मांग रहा है कि 10,000-20,000 दे दीजिए, तो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। कोई भी कंपनी आपसे रिलीजिंग का पैसा नहीं लेती है, पैसा वही लेता है जो एजेंट आपका उसे कॉन्टेक्ट कराता है, वो भी मात्र 500-1,000, इससे बहुत ज्यादा पैसा नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको बीच में किसी एजेंट की जरूरत है ही नहीं, आप सीधे कंपनी से कॉन्टेक्ट करिए और उनको अपना गाना सुनाइए, उनको अच्छा लगे तो आप अपना गाना उनसे रिलीज कराइए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली होगी और आप समझ सकेंगे कि आप अपना गाना कैसे रिलीज करा सकते हैं। और भी कोई बात आपके मन में हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के जरिए बताना ना भूलेगा। मैं कोशिश करूंगा इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते अगले वीडियो।